रहे हुआ करे मुझको तो सिर्फ चाहिए अल्लाह तेरा साथ दुनिया मेरे खिलाफ अगर है हुआ दुनिया पाओगे न तुम इज्जत जब तक ना खुदा गरीबों की इतनी मदद करना अल्लाह जाने इनकी बातों से मैं इतना मुतासिर हुआ। मैं तो गौरव से यही दुआ करता हूँ कैसे ही 25 आज का हो जाए तो सुभान अल्लाह क्या कहेंगे, बरकत ही बरकत है। लेकिन अल्लाह के कदम शेर सुनेंगे आज जनाब जनाब जो लोग यहाँ आए वैसे बैठ जाओ, अभी तुरंत आना ना पड़े हमें वहां पे, तुरंत के तुरंत बैठ जाओ, जो बीच में भीड़ खड़ी है वो बैठ जाए तुरंत बैठ जाओ। और आप ऐसे शोरगुल करेंगे और आपस में मैं कमेटी और सबसे सभी जितने भी आवाम है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपकी महफिल है, आप अल्लाह वाले हैं, अल्लाह रसूल वाले ऐसा नहीं करते। तवज्जो चाहूंगा तू लाखी करे सजदे तू लाखी ये बात करे सकती नहीं जा
जन्नते भक्ति नहीं जन्नते जब तक ना पदार ये कोरोना काल क्रिएट कर रहा है, बंदिश भी बहुत है, ज्यादा बात वही बोलेंगे क्योंकि हम भी कैद है अंदर, इसलिए उतनी ही बात कहेंगे, उससे आप समझ जाइए कि मैं क्या कहने वाला हूं। शेर भाई तुषार भाई, आप ये गेट की भीड़ बंद हटवा दीजिए, गेट पे जो भीड़ है उसको हटवाइए। और ये खास तौर से उन लोगों से कहना है जो लोग कहते हैं कि मोमी यहां से जाए, आप लोगों ने सुना होगा कि कितने लोग कहते हैं कि मोमी यहां से चले जाए। अरे भाई बस्ती में हम है, जाएंगे कहां? शेर सुने के बाद सखुनी का ये बहना का ये कहना है हर हिंद के पासी से छोड़ेंगे जब तक ना बड़े मियां हमार शेर सुनो, छोड़े भी सियासत, बुखार चल रही है, जादव के सदर पे सरकार चल रही है। मुल्क की सरकार बुखार चल रही है, एक गाय के सदके में सरकार चल रही है, दौरे समंदरों के को कर चुका मुकम्मल, उस पार की सियासत इस पार चल रही है। सखनी का ये कहना मुखबीर समझ रहा है, हम दयारे गैर का मुखबीर समझ रहा है, हमें हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है, हमें यहाँ के कष्ट भी गुलजार कर दिए, हमें यहाँ के कष्ट भी गुलजार कर दिए, हमने अरे वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा बीज नफरत के जो भी हो जाए, अल्लाह के कसम कोई भी हो, अगर शेर पसंद आए तो आमीन जरूर करें।
कहेंगे ना, कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो शेर ही है, बीज नफरत पे जो हो जाए, जिसके भाषण पे जनता सो जाए। हजरत, बीज नफरत पे जो भी हो जाए, जिसके भाषण से जनता सो जाए, हिंदू मुस्लिम को जो भी लड़वाए, अल्लाह की कसम उन सभी को कोरोना हो मेरे बच्चे। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये चार चीजें कर रहा हूं, दुआ दीजिएगा कि मौला ऐसा ही हो। मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे, या मेरे बाबा आपके दर पे आया हो, मेरी ये बेनती, मेरी ये अरज सुन ले। मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे, वतन पे मेरे तू एहसान कर दे, तू भारत की सरहद पे आए मेरे मालिक, कभी कोई लीडर को कुर्बान कर। बोले जब तक ना ये अगर कोई भी भाई की तरफ से आ रहा है, कसम खुदा कि ये मेरे लिए 10,000 रुपए है। ये पीरियड में आप हुजूर का सदका दे रहे हैं, कसम खुदा कि मुझे खुद तकलीफ हो रही है कि आप किस दिल से दे रहे हैं, लेकिन सदका रसूल दे रहे हैं, कसम खुदा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है आज के दौर में। शेर सुने, लालच पूरी कुछ लोग सोचते इनाम नहीं मिल रहा है यार, कलाम को बंद करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं, जो मेहनत करना करो, अल्लाह देने वाला है, इतने में ही सबर कर लेंगे। शेर सुने, लालच में पूरी से हट जिसकी नहीं कोई, आपका बनारस में एक बाल भाई है, अभी ये कल ही कलाम लिखा गया, हम दोनों भाई बैठ के लिखे, और मैं गुजारिश करूंगा इकबाल भाई, ऐसा कलम उनका कसम खुदा कि आज के दौर में चल रहा है, लेकिन क्या करें, एक शिकायत है, जो आज प्रोग्राम नहीं हो रहा है ना, कुछ इसमें मेरी भी गलती है, मैंने दिमाग लगाया यार ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, ये वबा कहां से फैली है, तो नजर जाते जाते मेरा वसीम रिजवी पर पहुंचा कि जब से उसने कहा तभी से ये बीमारियां फैल गई। उसने कहा 16 पारे निकाल, अम्मा यार
प्रधान का एक हर्फ उसके बाप और पापी निकाल सर एक हर्फ। हेलो डॉक्टर साहब आप इधर आइए जाइए से पास में जरा डॉक्टर हम प्रवेश लालच वो